लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। यूपी 150 पुलिस कर्मियों की सुरक्षा में ये दलित दूल्हा बारात लेकर निकला। जाने क्यों 150 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था। 80 सालों से निजामपुर गांव में किसी दलित की बारात नहीं निकली थी। कासगमनज जनपद के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के निजामपुर गांव में पहली बार किसी दलित की बारात निकली, जिसमें दूल्हा घोड़ी चढ़कर पहुंचा हो। दलित दूल्हा संजय जाटव की बारात धूमधाम से बैंड बाजे के साथ पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दुल्हन के घर पहुंची। दुल्हन की ख्वाहिश थी कि उसका दूल्हा घोड़ी चढ़कर उसके घर आए, लेकिन अभी तक निजामपुर गांव में दलितों को घोड़ी चढ़ने की इजाजत नहीं थी। दूल्हे ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई, जिसके बाद जिला प्रशासन ने सुरक्षा देने का भरोसा दिया। रविवार को जब बारात पहुंचने वाली थी, उस दौरान गांव में भारी संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था। कासगंज के एडिशनल एसपी पवित्र मोहन त्रिपाठी ने कहा कि शादी की रस्में पूरी होने तक पुलिस मौजूद रही। पुलिस कर्मियों की नज़र गांव में हो रही हर गतिविधियों पर है। दुल्हन की विदाई होने तक निजामपुर गांव में पर्याप्त संख्या में पुलिस कर्मी मौजूद रहेंगे। संजय जाटव और शीतल की शादी का मामला पिछले कई महीनों से सुर्खियों में है। इसके लिए संजय ने इलाहाबाद हाई कोर्ट तक का दरवाजा भी खटखटाया था। शादी हो जाने के बाद दुल्हन के परिवार वाले खुश होने के साथ साथ दहशत में भी हैं, क्योंकि गांव के ठाकुरों ने परिजनों को देख लेने की धमकी दी है। निजामपुर गांव में 40 ठाकुर परिवार और 5 परिवार जाटव के रहते हैं। इस गांव में आज तक दलितों की बारात नहीं निकली है। बारात निकालने के लिए संजय ने जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, दोनों जाति के लोगों के लिए यह हम का विषय बन चुका है। इसलिए दुल्हन की विदाई के बाद भी प्रशासन को राहत की सांस नहीं मिली है।